शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत तहसील सभागार में महिला एवं स्व सहायता समूह के एनजीओ संपर्क अभियान का हुआ लाइव प्रसारण। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष सीता गुप्ता, सीईओ सतीश नागवंशी, डीएम आशिया बेगम, एडीएम अमित पांडे रहे मौजूद। अजगर के तहसील सभागार में आज शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत महिला स्व सहायता समूह एवं एनजीओ संपर्क अभियान के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में महिलाओं को सशक्त बनाना होगा, तभी हमारा देश भी सशक्त बनेगा। इसके लिए महिलाओं की आय में वृद्धि करना होगा। इसी के तहत आज शक्ति वंदन कार्यक्रम में स्व सहायता समूह की बहनों ने संवाद किया। कार्यक्रम के बारे में जिला प्रबंधक आशिया बेगम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप स्व सहायता समूह की प्रत्येक दीदी के माध्यम से प्रत्येक परिवार की आय प्रतिमाह 10,000 रुपए तक व वार्षिक लखपति बनाने की दिशा में NRLM के द्वारा विभिन्न गतिविधियों में जोड़कर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जा रहा है। कार्यक्रम में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संजय सुलेरे, जिला पंचायत सदस्य संतोष यादव, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि वृंदावन पटेल, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष सीमा तिवारी, किरण तिवारी के साथ साथ आजीविका मिशन के विकासखंड प्रबंधक आदि लोग मौजूद रहे। आज 6 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुरूप प्रत्येक दीदी को स्व सहायता समूह के माध्यम से प्रत्येक परिवार की आय को प्रत्येक माह 10,000 रुपए व वार्षिक लखपति बनाने की दिशा में NRLM के द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा जाता है और उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जा रहा है।